फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, वो भी अपने इनफिनिक्स के डिवाइस का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मेरे पास जो फ़ोन है आप देख सकते हैं इनफिनिक्स का डिवाइस है और इनफिनिक्स की स्मार्ट HD, तो इसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, पूरा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इनपुट लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए और जो भी लैंग्वेज चाहिए आप इस प्लस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, तेलुगु जो भी लैंग्वेज चाहिए उस पर क्लिक करके आप सेट कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे हमारा लैंग्वेज चेंज हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए या फिर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से रिमूव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल ववाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस पर इसको सेलेक्ट कीजिए और नीचे आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इसको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। इस पर जाएंगे तो रिमूव का ऑप्शन आएगा, उसके बाद निशान पे जो भी जो जो आप लैंग्वेज को हटाना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद एक्स दबा दीजिए तो यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा और इसको हटा पाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।